मेरे फोन से किसी को फोन करने का इरादा है आपका? नहीं माया, वो तुम्हारा फोन बज रहा था, तुम्हें देने आ रही थी। मेरी फिक्र करना बंद कीजिए, आप अपनी फिक्र करना शुरू कीजिए। कौन था वो जिसने माया को वो मैसेज भेजा था? काम हो गया? क्या नंबर था? 9 8 6 9 8 9 8 माया देखो ना, 9 8 7 6 5 2 3 1 उल्टी गिनती गिन रही थी। कहते हैं कि बहुत दर्द हो रहा हो तो अगर आप ना ध्यान किसी और चीज में लगा दो तो आप दर्द भूल जाते हैं। तो मैं दर्द भूलने से नहीं चाहता, दर्द की आदत हो जाती है और आदत छूटना बहुत मुश्किल है। मुझे देखिए ना, दर्द की आदत हो गई है बचपन से ही। बचपन से ही दर्द की ऐसी आदत पड़ी है कि अब दर्द का कुछ एहसास ही नहीं होता। कंट्रोल में रहने की इतनी आदत हो गई है ना कि जब कंट्रोल छूटने लगता है ना तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अर्जुन के प्यार की ऐसी लत लग गई है ना कि छूटने के ख्याल से एक जुनून सा चढ़ जाता है मेरे सर पे, एक पागलपन सा। मैं बुरी नहीं हूं, हालात मुझे बुरा बनने पर मजबूर करते हैं। अर्जुन मेरी जान है और आप उसकी जान, मैं अपनी जान को दर्द कैसे दे सकती हूँ? पर जब कोई तीसरा हमारी दुनिया बर्बाद करने आता है ना तो मुझे उसकी बर्बादी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। प्लीज माँ, मुझे पूरी बनने पर मजबूर मत कीजिए। प्लीज मेरा साथ देंगी ना? प्लीज कहिए ना आपने मुझे माफ कर दिया माँ, प्लीज। कर दिया माफ। आप मुझसे डर के झूठ तो नहीं बोल रही? प्लीज आप कहिए ना कि आपने मुझे माफ कर दिया। प्लीज प्लीज माँ, प्लीज। कर दिया भैया, कर दिया। चलिए अपने हाथों से मुझे खाना खिलाकर साबित कीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। मुझे माँ के हाथों से खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। माँ आप मेरा ख्याल रखिए और मैं आपका ख्याल रखूंगी। वंदना आंटी का मैसेज, वो भी कल रात का, और मैं अब पढ़ रही हूं। वंदना आंटी ने माया के फोन से मैसेज किया है, इसका मतलब यह है कि माया ने वंदना आंटी का फोन ले लिया और माया वंदना आंटी पे नजर रख रही है। सांझ ये देख, जितने गहने थे मैं सब ले आई हूं, तूने जो पहनना है मुझे बता दे, वो ही सब रेडी हो जाएगा।
सांझ, अरे पसंद नहीं है तो वैसे बोल दे। मां, वंदना आंटी के बगैर ये सगाई अधूरी रह जाएगी। हम उन्हें बुला ले क्या? प्लीज। बिल्कुल सही। थैंक यू समय, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इस इनविटेशन के बहाने मैं वंदना आंटी की हालत देख लूंगी और ये भी डिसाइड कर लूंगी कि उनका वहां रहना ठीक है भी या नहीं। तुम्हारा वहां जाने का रीजन कुछ भी हो सांझ, पर मेरा रीजन तो एक ही है, माया। कुछ देर तो उस हवा में सांस ले लूं जिस हवा में माया का एहसास है। ये लीजिए जूस। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही आप? माया, इसमें नमक कम है। ज्यादा नमक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब ज्यादा नमक खाएंगी ना तो वैसी बन जाएंगी। ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है एंड दे से हाई ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर। आप जानती हैं इनकी भी मौत ना ऐसे ऐसे चुपचाप से हो गई थी। पर आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए मैं हूं ना। अर्जुन, अर्जुन जल्दी आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अगर आप खाइए। लगता है सांझ ने समय को भेजा है मेरा हालचाल जानने के लिए। तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ यहां से। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जस्ट जाओ यहां से, गो। लोगों की आदतें नहीं बदलती ना, और कुछ लोगों की आदत ही उनकी मजबूरी बन जाती है। Yes. हम वंदना आंटी से मिलने आए। वंदना आंटी? हाँ, तुम्हारी पड़ोसन ना। हम एक पड़ोसी की तबीयत पूछने आए थे और कुछ भी नहीं। क्यों, अब अपने आप को वक्त नहीं देना? अपने आप को वक्त दिया है इसलिए उनसे मिलने आए। मैं और समय सगाई कर रहे हैं तो हम आंटी को इनवाइट करने हैं। That's brilliant news. Awesome. Congratulations. I'm so happy for you, son. Thank you. Congratulations. आजा, अंदर आजा। मैं तुम्हें क्यों? तू यहाँ क्या कर रही है? वो अर्जुन घर आए मेहमान से ऐसे कोई बातें करता है? मैं जानती हूँ कि सांझ ने हमारे साथ बदतमीजी की है, लेकिन हमें तो उसके साथ तमीज से पेश आना चाहिए ना। और वैसे भी सांझ और समय
सगाई कर रहा है। मेरी और समय की सगाई हो रही है, तू वंदना आंटी को इनवाइट कर ली। मैं माँ को बुला के लाता। क्या कर रहे हो? आपके हाथ में लगी हुई है, क्यों कर रहे हो ये सब? बच्चों के लिए कभी कभी खाना बनाने का मन करता है। माँ, बाहर सांझ आपसे मिलने आई है। सांझ आई है? मुझे नहीं मिलना उससे। माँ, उसकी सगाई है, वो आपको बुलाने आई। अरे बाप रे, अगर ऐसे सारे पड़ोसियों को बुलाएगी तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा, और अब मैं तो सिर्फ पड़ोसन ही रह गई हूँ। माँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मुझसे लड़ाई करती है, लेकिन आपको बहुत प्यार करती है। उसका प्यार तब कहा गया था अर्जुन, जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं सांझ से नहीं मिलना चाहती, बस। मैं हर जगह से फंस गया हूँ। माँ थोड़ा बिजी है, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। नहीं मिलना चाहती। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब तक आंटी मुझे खुद नहीं कहेगी, मैं मानने नहीं वाली। अभी तुम्हें अपने डफर पे भरोसा नहीं? अपने डफर पे भरोसा था। माया अर्जुन शर्मा के पति पे भरोसा नहीं। पूरा नहीं बनना, प्लीज मुझे पूरा बनने पर मजबूर मत कीजिए। सांझ आपसे मिलना चाहती है और आप सांझ से मिलना नहीं चाहते, और उसकी वजह से वो मेरे अर्जुन को बातें सुना रही है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। माया, आप जाकर सांझ से खुद कह दीजिए कि आप उससे मिलना नहीं चाहते, नहीं तो वो मेरे अर्जुन को झूठा बना रही है। मेरे बेटे को झूठा कहा? आंटी, आंटी वो मैं और समय कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पड़ोसी हूं, पड़ोसी हूं, पड़ोसी हूं, परिवार में, परिवार में, परिवार। आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही है? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। अपने बेटे के साथ हूं, अपनी बहू के साथ हूं, तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है।
क्यों आई हो तुम यहाँ? आंटी वो आंटी हम लोग तो आपको अपनी सगाई के लिए इनवाइट करने आए। आंटी वो मुझे और समय को सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा अच्छा आशीर्वाद चाहिए एक मिनट। हाँ मिल गया आशीर्वाद। माँ ये क्या कर रहे हो? ये क्या करिए आप माँ? I'm so sorry, Sanjay. It's okay. वो एक्चुअली ना शायद माँ को कचरा फेंकने की पुरानी आदत है। पिछली बार आपने मुझ पर भी फेंका था और अब तुम पे। माया सॉरी क्या कर रही है माँ? वो इतने प्यार से आपको इनवाइट कर रही है और आप जाने दीजिए, गुस्सा भूल जाइए। It's okay. भूल जाऊं? मैं ये भूल जाऊं कि इसने मेरी कितनी बेइज्जती की थी? इसे वो नहीं दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। मुझे एक ऐसी लड़की दिख रही है जिसने मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। तो ऐसे इंसान के लिए मेरे पास यही आशीर्वाद है। ठीक है फिर, आपका आशीर्वाद सराखों पे। सांची क्या कर? अपनी वंदना आंटी का आशीर्वाद ले रही हूँ। शायद उनका प्यार यही। क्या वंदना ने कचरा तेरे ऊपर फेंका? और आपकी बेटी ने इस कचरे को आशीर्वाद समझ के अपना बना लिया और घर ले आई, जैसे आंटी ने कोई गिफ्ट भेजा। वैसे आज तक मुझे ये लगता था कि आंटी ने पता नहीं अपने जीवन में कितने दुख देखे होंगे। आज आई डोंट थिंक सो के ये हरकत वंदना जी की हो सकती है। उससे पूछो तो कहीं ना कहीं हो सकता है माया ने। हाँ माया ही होगी, वो आंटी के दिमाग में घुसकर उन्हें साइको कर रही है। कोई कुछ नहीं कर रहा। ओके माँ पापा, आप वंदना आंटी की नजरों से देखिए। वंदना आंटी ने मुझे बचपन से देखा है, उन्होंने मुझे अपने हाथों से खिलाया है, मेरी हर एक प्रॉब्लम में उन्होंने मेरा साथ दिया है।
और आज जब वो प्रॉब्लम है तो हम उन्हें अकेला छोड़ रहे हैं। उनके गुस्से में भी उनका प्यार छुपा है, बस वहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप सांझ को मैसेज मिल गया हो और वो समझ गई हो। इसमें माया लिखा है, इसका मतलब यह है कि शायद आंटी ने इन्हीं में कोई मैसेज छोड़ा होगा मेरे लिए। माया ने किया है, अर्जुन जाल में फंसा है। अर्जुन खतरे में, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.